ये हमसे कह रही है कि हमें हेडिंग लगाने हैं। तो हेडिंग के कितने लेवल होते हैं? हेडिंग के यहाँ पे एचटीएमएल में 6 लेवल्स होते हैं। हेडिंग के यहाँ पे एचटीएमएल में 6 लेवल्स होते हैं। अब 6 अलग अलग टाइप के हेडिंग को लगा के हमें ऑब्जर्व करना है। ठीक है, कर लेते हैं। 6 अलग हेडिंग को लगा लगा के ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं, जाते हैं 3 पे 3 के बाद हमें क्या बनाना पड़ेगा? 4। ठीक है, तो 4.html, 4.html, 4.html में शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटरी मार्क, और यहाँ पे हम रख देते हैं, कुछ नहीं रखते हैं, यहाँ पे हेडिंग देखते हैं सिर्फ। ठीक है, हेडिंग में हमें लगाना पड़ता है, देखिए हेडिंग के एच करके टैग होते हैं। ठीक है, और 6 अलग अलग लेवल होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6। ठीक है, अब जैसे मैं H1 लिखता हूँ और इसके अंदर लिखता हूँ हेडिंग, तो इन्हीं तरीके के मैं 6 और कॉपी कर लेता हूँ, तो ऑल्ट शिफ्ट डाउन, तो ये हो गए 6। ठीक है, अब मैं देखिए हर बार अलग अलग लिखता हूँ, H1 के बाद H2 लिख देता हूँ, H2 के बाद H3, H3 के बाद H4, H4 के बाद H5 और H5 के बाद H6। ये 6 अलग अलग टाइप की हेडिंग्स होती हैं। अब देखिएगा कि इन 4 6ों में डिफरेंस क्या है। तो हम आते हैं यहाँ पे, ये हमारा है 4.html, तो 4.html करते हैं। ये देखिए जो H1 है वो सबसे बड़ा होता है, और जितना हम नीचे जाते रहते हैं वो छोटी हेडिंग हो जाती है। तो H1 सबसे बड़ी हेडिंग है, H2 छोटी, H3 छोटी। ठीक है, और जितना हम नीचे जा रहे हैं छोटी होती जा रही है हेडिंग। इस तरीके से हेडिंग टैग काम करता है, H1 टैग, H2, H3, H4, H5, H6, ऐसे ही काम करता है, ईजी। ठीक है, ईजी है ये टैग्स H1 से H6 तक की।